अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट करवाने के लिए आया हूँ। यहाँ अल सऊदी व्हील अलाइनमेंट वाले हैं, वहाँ से व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवानी है गाड़ी की, क्योंकि बाकी गाड़ी का काम सारा हो गया था, अब अलाइनमेंट रह गई थी। तो अलाइनमेंट करवाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। हाजी शाहिद साहब हैं, उन्होंने अलाइनमेंट की शॉप है उनकी, तो उधर आए हुए तो अलाइनमेंट करवा रहा हूँ। पीछे ये हमारी गाड़ी भी खड़ी है जी, टायर इसके खोल लिए इन्होंने। ये जी मोहम्मद शाहिद इनका नाम है, ये नंबर भी आ गया। ये शाहिद साहब हैं जी, शाहिद साहब ही ना आपका नाम जी? जी हाँ जी, शाहिद साहब हैं जी, सऊदी अरब से आए हैं। अल सऊदी कंप्यूटर व्हील अलाइनमेंट के नाम से इनकी शॉप है जी, यहाँ मुल्तान रोड के ऊपर है, बाईपास के ऊपर है। तो इनसे मैं काम करवा रहा हूँ जी। ये अभी व्हील बैलेंस हो रहे हैं जी। ये भी आया जी, ये बायर वाली साइड पर 35 आया, यानी कि इधर वेट की जरूरत है। अगर इस साइड पर आता तो ये अंदर वाली साइड पर होने की जरूरत है। अब ये बायर वाली साइड पर एक्सर लगा रहे हैं। अब ये अंदर वाली साइड पर इन्होंने दिया, अब ये 10 दे रहा है इस साइड। आप मैयर हुआ बराबर हुआ तो आप इस जगह पर ये बैलेंस लगाएं। अब टायर भी चेंज कर दिए, अगले पीछे कर दिए और पीछे वाले आगे करके लगा दिए। और ये बता रहे थे काफी फर्क है टायरों के व्हील बैलेंस में। और शाहिद साहब की सबसे मज़ेदार बात यह है कि शाहिद साहब खुद काम करते हैं, ये खुद हैंडल करते हैं, सारी चीज़ें खुद देखते हैं। तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप शाहिद साहब के पास ही चक्कर लगाएं, यहाँ बाईपास के ऊपर ही है अल हमाद पेट्रोल पंप, उनके साथ ही इन्होंने अपनी अलाइनमेंट के लिए शॉप बनाई है। और ये सऊदी अरब में होते थे, अभी पाकिस्तान में आए हैं। साइड पर व्हील बैलेंसिंग के बाद ये अलाइनमेंट देख रहे हैं, अलाइनमेंट करवा रहा हूँ।